हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, बने रहिए वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हो आज मैंने बाइक को अपनी अच्छी पोजीशन में लगाया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर से यहाँ से एक तार पे बांध के, और मेरे पास कोई स्टैंड नहीं है। जैसे कि बाहर आप वीडियो देख सकते हो, अदर कंट्री के इंडिया में भी अच्छे लोग होते हैं जिनके पास स्टैंड होता है पूरा बाइक का, तो स्टैंड नहीं है। इसको बांध के रखा है ताकि आप व्हील को घुमा सके ऐसे। डिस्क की प्रॉब्लम के बारे में आज को बताएंगे कि डिस्क ब्रेक अड़ता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो डिस्क के अंदर, या आप भी अपनी बाइक को ऐसे रिपेयर कर सकते हो घर पे, और आपको किस किस टूल की इसमें ज़रूरत पड़ती है डिस्क ब्रेक के प्रॉब्लम में, ये आप यहाँ देख सकते हो। आपको यहाँ पे एलंकी की जरूरत पड़ेगी। एक है मल्टी टूल जो कि बिटमिन का है, इसका भी मैंने आपको वीडियो दे दिया है, देखे जा सकते हो। एक प्लासर की भी जरूरत पड़ सकती है, प्लायर की भी। और इसमें मेरा सामान है जो आप देख सकते हो, ये पंचर का सामान है, ये टायर लीवर्स हैं जिसकी वीडियो मैंने पहले दे दी है, टायर लीवर इनकी, ये भी बिटमिन का है, इनकी वीडियो आप जाके देख सकते हो। पंचर की पूरी वीडियो बना के दे दी है, तो इनसे कोई मतलब नहीं है, साइड रखते हैं इनको, ओनली इनका काम है बस। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो, मैं टायर को एक बार घुमा देता हूँ। जैसे कि मैंने टायर को घुमा दिया है, और अब मैं ब्रेक को एक लीवर को दबाता हूँ। जैसे कि मैंने दबाया, मगर टायर बिल्कुल बहुत ही देर बाद काम कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो। अब मैं ब्रेक को दबाऊँगा और देखना, आप ब्रेक दबाया मगर काम कम कर रहा है, और आवाज़ आ रही है इसमें, कट की आवाज़ आ रही है, इसमें हल्की सी कट की आवाज़ आती है, आप सुन सकते हो। देखो तो प्रॉब्लम आपके सामने है, तो अब मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ आपके सामने, कैसे रिपेयर करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो, ये है एक 5mm की एलंकी, जिससे हम इस नट को और इस वाले नट को खोलेंगे। यहाँ से दो नट खोलेंगे, उनके अलावा कोई नट आपको छेड़ना नहीं है। तो पहले ये नट और इस नट को खोल लेते हैं, तो इससे आपका ये रोटर बाहर आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हो दोनों बोल्ट ये खुल चुके हैं ये वाले, तो ये देखो ये रोटर को ऐसे बाहर निकाल लेते हैं। तो इसमें ये होते हैं आपके सामने ये वाले, यहाँ पे ये आपके पैड हैं, इनको कैसे रिमूव करते हैं, कैसे हटाते हैं, और सारा जो भी आप काम करें डिस्क ब्रेक में पीस में अंदर, तो ये बोल्टों को बिल्कुल संभाल के रखें। और अब देखते हैं यहाँ से, कोई वायर वगैरह को आपको छेड़ना नहीं है, वीडियो को पूरा देख के फिर आपको समझ खाएगा कि कैसे आप इसको चेंज कर सकते हो। ये जूम कंपनी का है डिस्क ब्रेक, और आपके किसी भी कंपनी का हो सबका है, इसमें सबका मतलब यही एक ही रूल होता है। नीचे जहाँ मैंने एलंकी लगाई है यहाँ पर एक बोल्ट होता है, पहले इसको यूज कर लीजिए। इस एलंकी से छोटी एलंकी लगती है, इसमें जो एलंकी का आपने पहले यूज़ लिया था वही एलंकी है इसमें 5mm की, तो इससे ये वाला बोल्ट लूज कर लेते हैं, फिर इसके बाद ये पैड बाहर निकलेंगे। लूज का इसको निकालना पड़ेगा बोल्ट को पूरा। जैसा दोस्तों आप देख सकते हो ये बोल्ट बाहर आ चुका है, तो इसके साथ एक पैड भी बाहर आ चुका है, ये वाला एक पैड है। इसको कैसे चेक करेंगे अभी आपको बाद में बताएंगे, पहले इस पैड को बाहर निकाल लेते हैं, ये वाले पैड को भी। तो कोई भी आप पैनी चीज़ लीजिए, कोई भी प्लास या पेचकस मतलब छोटा जो पैना हो उससे इसको बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि इसके अंदर चुम्बक होता है, मेटल होता है दोनों साइड, तो चिपका रहता है ये वाला। दोस्तों आप ध्यान से देख सकते हो ये बाहर निकला, ये दो बोल्ट निकले और दो ये पैड हैं, ये वाला पैड और ये वाला पैड। तो दोस्तों आप देख सकते हो दोनों पैड बिल्कुल चिकने चिकने हुए पड़े हैं, तो इनसे डिस्क ब्रेक बहुत ही कम काम करता है। आपको नज़र आ रहे हैं चिकने, तो इनको रफ करने हैं। रफ कैसे करते हैं हम आपको दिखाते हैं, चलिए रफ करते हैं इन पैडों को एक बार। तो दोस्तों घर में आपके कोई भी साबुन वगैरह कुछ भी मतलब सोप वगैरह या सर्फ वगैरह कुछ भी ले सकते हैं आप इनको रफ करने के लिए। बर्तन मांजने वाला साबुन भी आप इसको ले सकते हैं रफ करने के लिए। तो मैं क्या ये डिटॉल साबुन है इसका उपयोग कर लेता हूँ। इनका बस खाली ऑयल छूटना चाहिए, देखो आप ये काला काला एकदम हाथ के अंदर नज़र आ रहा है आपको, तो ऐसे इनको धो ले बस। तो दोस्तों इनको मैंने वाशेबल कर लिया है, धो लिया है सर्फ से साबुन से, किसी भी आप इनको धो सकते हो ढंग से रगड़ के, इट आपकी स्लिप नहीं करेगी पैडों के ऊपर से। तो चलिए फिर इनको एक बार से इंस्टॉलेशन कर लेते हैं अंदर उसमें रोटर में। अब इस प्लेट को आप कैसे साफ करोगे, ये प्लेट में को भी आपको साफ करना होता है, जैसे किसी भी अच्छे कपड़े से इनको साफ कर लीजिए प्लेट को बिल्कुल। और दोस्तों एक बात और है, जैसे कि ये दोनों लेदर, ये दोनों पैड हैं, तो आपको दिख रहा होगा मेरे राइट साइड में ये वाला पैड में ज़्यादा लेदर है और इसमें कम है, तो जो कम लेदर है ना उसको आप इस साइड रखोगे, इस साइड, इस बोल्ट की साइड जहाँ पे बोल्ट लगता है ना, इस साइड आप कम वाले लेदर को रखोगे, और जिससे जिसका आपका फ्रंट का बाहर का साइड है वहाँ पे आप मोटे लेदर को रखोगे, क्योंकि प्रेस यही होता है, इधर से ज़्यादा दबाव यही डालता है, तो इधर आपको ये वाला डालना है। तो आप डाल देते हैं इनको ऐसे यहाँ से। तो दोस्तों ये मैंने ये वाला डाल दिया है, आप देख सकते हो डल गए, तो ये थोड़ा एडजस्टेबल है अंदर हो जाएगा। और इसको देखो यहाँ पर ये वाला ऐसे चिपक जाता है, इसके ऐसे ये क्या चुम्बक होता है, इसे चुम्बक के चिपक जाता है, पीछे मेटल है इसमें और चुम्बक है, तो आपको इसको ऐसे ये अंदर से ऐसे यो डाल दोगे यहाँ से, मतलब आप अंदर से ऐसे डाल के और इसको चूट वापस कस दोगे,
तो दोस्तों मैंने एक कपड़ा लिया है, कपड़े को यहाँ से इसको पहले इसको लॉक कर देंगे, फिर ये नली को यहाँ से हटा लेंगे। नली हटा के फिर इसको पेट्रोल में भिगो लेना आपको। तो आप देख सकते हो इसको कैसे यहाँ से पकड़ोगे इसको, और ऐसे आपको घुमाना है इस पे ऊपर, ऐसे आप इसको डिग्रेस कर सकते हो पूरे को ढंग से। देखो ये बिल्कुल काला काला नहीं छूट रहा है इसके अंदर से। दोस्तों आप देख सकते हो बिल्कुल एकदम चमाचम हो गया है ये प्लेट, डिस्क प्लेट। और आप सर्विस का मतलब समझते हो, तो सर्विस का मतलब समझते हो गए तो आप इसको बिल्कुल ऐसे क्लीन कर लें। बिल्कुल मैंने भी इसको बिल्कुल क्लीन कर लिया है, आप देख सकते हो बिल्कुल साफ़ कर लिया है कपड़े से बिल्कुल। और आप इसको वापस ऐसे यहाँ पे डिस्क के बीच में वापस फिट कर देते हैं। तो दोस्तों दोनों बोल्ट मैंने यहाँ पे, एक तो ये वाला बोल्ट और ये वाला बोल्ट खोला था, दोनों वापस कस दिए हैं। तो इसको देख सकते हो आप, ये थोड़ा ऐसे हिलना चाहिए, ऐसे हिल रहा है अभी ये। अब क्या करेंगे, यहाँ से ब्रेक को ऐसे थोड़ा टाइट करना, टाइट पकड़ लेना है। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने, ये देखो इसको ऐसे यहाँ से टाइट टाइट करके और फिर इन बोल्टों को वापस टाइट कर सकते हो। दोस्तों इसमें एक ये है कि आप ये सारे बोल्टों को चेक कर लें, जितने भी बोल्ट हैं ये वाला ऊपर नीचे जितने भी हैं, और आप इनको भी चेक कर लें, ये वाले बोल्टों को भी चेक कर लें आप, ये वाले को भी, कोई भी लूज़ ना हो इसके। पूरा डिस्क का जो वीडियो है आज आपको कैसा लगा, वीडियो कमेंट सेक्शन बॉक्स में एक बार ज़रूर बताएं। और कुछ गलती हुई है मुझसे इसमें तो आप उसको भी ज़रूर बताएं, ताकि मैं उस अपनी गलती को सुधारूं अगली वीडियो में। तो आप पूरे बोल्टों को टाइट कर लीजिए प्लीज़। वैसे पेट्रोल और केरोसिन और थिनर और जो डिग्रेस आता है मार्केट से उसका प्रयोग कर सकते हो आप, तो एकदम क्लीन हो चुका है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उसके बाद आप इसको घुमा के देख सकते हो एकदम, तो आप देख सकते हो चल रहा है ये, जैसे ही मैंने ब्रेक लगाया एकदम झाम। तब आते हैं पिछले डिस्क ब्रेक पे, तो पिछला डिस्क ब्रेक भी सेम है, कोई पोजीशन नहीं है उसकी, वो ये रोड। इसको प्लेट को क्लीन कर लीजिए आप, इसको यहाँ पे दोनों बोल्टों को खोल लेंगे आप, उसके बाद दोनों को पैडों को साफ़ कर लेंगे कंप्लीट। जैसे साफ़ किया उस कर लीजिए आप, जैसा आपको बताया था वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मेरे नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम अगर वीडियो में कुछ छूट गया हो तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप ज़रूर बता सकते हो, आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन बॉक्स में एक बार आप ज़रूर बताएं। और कैसा आपको ये स्टैंड लगा इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में बता सकते हो, कि आपको अपनी बाइक को घर में रिपेयर कर सकते हो किन्हीं पार्टों के द्वारा, जो पार्ट मैंने आपको बताए थे इन पार्टों के द्वारा। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, अगली वीडियो आपको मिलेगी फोर्क की, ये फोर्क की वीडियो मिलेगी, फोर्क को आप कैसे रिपेयर कर सकते हो। और काफ़ी वीडियो मिलेंगी बाईसाइकिल की, आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो। भारत माता की जय, वंदे मातरम।